बलिया के शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज के खोरी पाकर कंपोजिट विद्यालय में एक नई पहल के साथ वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया जागरूकता अभियान। आज के प्रवेश में लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए एक बड़ा संदेश दिया गया है कि अब सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। इसमें अब वो सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो प्राइवेट विद्यालय में होते हैं। समाज में गलत दिशा में कार्य करने वाले लोगों के लिए बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक अभियान किया है। हमारे विद्यालय का कंपोजिट विद्यालय खोड़ी पाकड़ का हमारे समझ से पहली बार वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हो रहा है और ये हमारे मन में बहुत दिनों से विचार था कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं जबकि उससे बहुत ही बेहतर शिक्षक सरकारी स्कूलों में है, अपना समय भी दे रहे हैं, बच्चों को पठन पाठन का व्यवस्था भी है, यहाँ पे सरकार इसमें बहुत पैसा भी खर्च कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की चकाचौंध की दुनिया है उसमें हम सरकारी विद्यालय जितने भी हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की संख्या जो है क्या कहते हैं दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसमें सरकार बहुत तरह से पहल कर रही है लेकिन इसमें हमारी भी जागरूकता बहुत जरूरी है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इतने लोग शामिल हैं, तमाम आसपास के ग्राम प्रधान, ये जनता और माननीय सांसद जी भी इसमें शामिल हुए और दूसरा मैं क्या करूँ किसको बताते हैं। कैसे हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो श्रावण मुंडन छोड़ने की बात हो, पढ़ने पढ़ाने की बात हो या किसी तरह से खेल कूद से लेकर हर तरह की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है और बच्चे हमारे अक्सर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिला चैंपियन कबड्डी